अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू संधू डिस्कवरीज़। आज सोचा आपसे हम नॉर्थहैम्पटन का एक वॉक थ्रू शेयर करते हैं। ये नॉर्थहैम्पटन है, ईस्ट मिडलैंड्स में आता है, काफ़ी बड़ा सिटी है और बेसिकली ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बिज़नेस हब के तौर पे जाना जाता है। मल्टीनेशनल जो ब्रांड है यहाँ पे हैं, तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत हैं। देखने वाला सिटी है ये, जो हम क्रॉस कर रहे हैं, हम एंटर हो रहे हैं A45 से यहाँ पे टाउन सेंटर में। ये राइट साइड पे हॉस्पिटल गुजरा है, अभी हम जा रहे हैं टाउन सेंटर की साइड पे। इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ देखने वाली जगह हैं, जिसमें हिस्टोरिकल वैल्यू रखने वाली काफ़ी प्लेसेस हैं। उसमें आ जाता है आपका अबिंगटन पार्क म्यूज़ियम, इसको 1716 में बनाया गया था। बेसिकली इसको री आर्किटेक्ट किया गया था दोबारा, ताकि इसमें जो है हिस्ट्री एक्सप्लेन की जाए लोगों को। और इसके अलावा आता है नॉर्थहैम्पटन म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी आ जाती है इसमें, और काफ़ी पार्क्स आ जाते हैं। सेल्से फॉरेस्ट आ जाता है, नॉर्थहैम्पटन एंड लैम्पोर्ट रेलवे आ जाता है, इसके अलावा साइवेल कंट्री पार्क आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह हैं। एक इनमें से वो है एशबे कैसल गार्डन्स, वो आ जाता है इसमें, वो भी काफ़ी अच्छी प्लेस है देखने के लिए। उसका हमने आपके साथ वीलॉग भी शेयर किया हुआ है। तो काफ़ी हिस्ट्री रखता है ये वाला सिटी, और बड़ा प्यारी सी लोकेशन पे बना हुआ है, इजी टू अप्रोच है, M1 के बिल्कुल साथ ही है। ये ग्रॉस ऑनर में हमने गाड़ी पार्क की है। ग्रॉस ऑनर बेसिकली शॉपिंग सेंटर है, बड़ा आउट क्लास सा बना हुआ है, तो ये बिल्कुल टाउन सेंटर के सेंटर में है। मैंने सोचा यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, इजी हो जाएगा। और यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा के फिर हम टाउन सेंटर का एक वॉक थ्रू करते हैं। ये इस वक्त हम खड़े हैं नॉर्थहैम्पटन के टाउन सेंटर में। सारे ब्रांड्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। इसका आपको वॉक थ्रू देते हैं। यहाँ पे जी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, और वैसे भी एशियन कम्युनिटी है, आपके 5% कह सकते हैं, जैसे डर्बी, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में एशियन कम्युनिटी यहाँ पे उसकी निस्बत कम है। यहाँ पे ज़्यादातर वेयर हाउसेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे 110% मैं ये कहूँगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे। और इजीली यहाँ पे जब भी कोई मतलब शिफ्ट होता है या कोई आता है, तो उसको जॉब यहाँ पे इजीली मिल जाती है। और मुझे तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस लगी है जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं।
हम यहाँ पे हो गए हैं कुछ 7-8 माह हो गए हैं, और बड़ी पीसफुल जगह है, लोकेशंस बड़ी अच्छी अच्छी हैं, ज़्यादा रशी एरिया नहीं है। एशियन लोगों के यहाँ पे ना मतलब कंसंट्रेशन आप कह लें कि कम है, जैसे बाकी सिटीज़ में है ना, सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, इवन दैट के बैंकिंग में आपको भी जल्दी जॉब मिल जाती है। वॉक थ्रू दे रहे हैं जी टाउन सेंटर का। ये बर्गर किंग, स्टारबक्स, किंग बर्गर, यहाँ पे हलाल पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक बना हुआ है एशियन मार्केट है उमरा करके, काफ़ी बड़ी है। यहाँ वहाँ पे आपको सब कुछ लाइक हलाल मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको हलाल मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं, लाइक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बींग अ पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, आपको चाहिए तो वो वहाँ से आपको मिलती है। मगर वैसा नहीं है वहाँ पे कि आप जाएंगे और आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप जो भी माइंड में लेकर जाएंगे आपको वो चीज़ वहाँ से लाजमी मिलेगी, 100% मिलेगी, आई विल से 110% आपको मिलेगी। ये जिस साइड पे कोवेंट्री बिल्डिंग सोसाइटी है, जैसे नेशन वाइड बिल्डिंग सोसाइटी है, खैर नेशन वाइड बिल्डिंग सोसाइटी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग सोसाइटी है। ओटू, जे डी स्पोर्ट्स, ये लेफ्ट साइड पे आ गया जी टेस्को, बड़ा टेस्को दूसरी साइड पे है, 1 एंड 4 में है। आपको शायद नज़र भी आया होगा वॉक थ्रू में, मतलब एशियंस कम है यहाँ पे, देखने को कम मिलते हैं। Yes, well, yes. Yeah.
much. Good.